हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। डिस्चार्ज में आप देख सकते हैं डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ द टाइम। कोई भी वर्क आप करते हैं, अगर उसकी समय सीमा नहीं है तो उस वर्क का सीमा समाप्त हो जाती है। आप अगर एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन के लिए भी आपको एजुकेशनल पीरियड दी जाती है, जो जुलाई टू जून तक एंड होती है। तो कैलेंडर ईयर भी होता है, एजुकेशनल ईयर भी होती है, फाइनेंशियल ईयर भी होती है। तो एजुकेशनल ईयर भी हम स्टार्ट करते हैं मार्च से, अप्रैल से स्टार्ट होती है, मार्च में एंड होता है। उसी प्रकार से आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इस विदिन पीरियड होती है। जैसे आप बजाज की बाइक पर आप जाते हैं और वहां पर एक डिस्कवर की बाइक देखते हैं। आप एक डिस्कवर की बाइक आप परचेज करना चाहते हैं जिसकी आपको 90,000 प्राइस है। अब प्राइस आपको दिया गया है 7 डे तक इसकी कीमत रहेगी ऑन स्टॉक। अगर स्टॉक रहेगी तो हम इसको बजाज की डिस्कवर बाइक 150 CC का हम आपको 7 डे। अब आप 6 महीने बाद आते हैं और कहते हैं कि हमको 90,000 में चाहिए। तो डिस्चार्ज ऑफ द लैप्स ऑफ टाइम हम वो सेल आपको नहीं कर सकते, डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम पीरियड के अंतर्गत आपने उसको सेल पर परचेज नहीं किया है। नेक्स्ट ऑफ द लिमिटेशन, लिमिटेशन एक्ट है 1963 के अंतर्गत दिया है। स्पेसिफिक पीरियड दी गई है जो कॉन्ट्रैक्ट के समय फिक्स होती है। डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म द पीरियड स्पेसिफिक पीरियड। नेक्स्ट है स्पेसिफिक इन दिस वे नो एज द पीरियड ऑफ द लिमिटेशन विद इन द पीरियड फॉर प्राइस गुड सोल्ड डिलीवर्ड। कोई भी सामान सेल परचेज आप खरीदते हैं तो सेल परचेज में कोई भी कंडीशन में आपको इसके अंतर्गत फिक्स पीरियड निश्चित होती है। उस पीरियड में माल भी डिलीवर्ड होगा, पेमेंट भी आप प्राप्त करेंगे। अगर नहीं होगा तो आपके बिल पे ऊपर डेबिट फ्लोट चार्ज होता है। समय से पहले देते हैं तो हमें क्रेडिट फ्लोट प्राप्त होती है। फॉर द रीपेमेंट लोन, अगर आप कोई लोन लेते हैं तो अब कोई भी लोन का एग्रीमेंट होता है जिसमें एक्स इंटरेस्ट रेट के साथ साथ पेबल टाइम फिक्स होती है कि आप कब हमारा भुगतान करेंगे। तो अगर 3 ईयर डेट का लोन गिवेन तो 3 ईयर में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। फॉर बीइंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस मस्ट बी फिल्ड विद इन 3 ईयर। अगर आपको 3 ईयर में परफॉर्मेंस कंप्लीट करनी है तो विद इन पीरियड आपको कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आप अपने जीवन में अगर टारगेट को प्राप्त करना चाहते हो, अगर टाइम से कोई भी कार्य सोचते हैं और टाइमली कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप अपने टारगेट को भी प्राप्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार से बिजनेस में भी अगर आप आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, विद इन पीरियड आप यदि अब उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करते तो डिस्चार्ज लैप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपने फुल वीडियो स्टार्टिंग टू इट डिस्चार्ज लैप्स ऑफ द टाइम के इन पूरी वीडियो देखी। थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल बीकॉम ई लर्निंग को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।